टॉपिक है बचपन। आई होप यू ऑल लाइक इट। और कुछ गलतियाँ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। तो टॉपिक है बचपन। बचपन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। एक यादों का कारवां हमारे दिलों दिमाग में शुरू हो जाता है। तो बचपन को मैं कुछ इस कदर बयां करती हूँ कि जब कभी उस बचपन में फिर से झांका करती हूँ तो अपनी यादों का सिलसिला पाया करती हूँ। बचपन को मैं कुछ इस कदर बयां करती हूँ कि जब कभी अपने बचपन में फिर से झांका करती हूँ तो यादों का सिलसिला मैं पाया करती हूँ। वो पापा का प्यार, माँ का दुलार, भाई का छेड़ना, बहन का मनाना, वो दादाजी के पीछे सौंफ खाने को भागना और वो दादी जी की प्यार भरी पुच्छी मांगना, ये सब उन यादों के पन्नों का सिलसिला है। छोटे थे, नादान थे, मासूम भी और थोड़े शैतान भी थे। पापा की बाइक के पीछे बैठकर जब कभी बाहर निकला करते थे तो अपने मोहल्ले में आके हम एरोप्लेन बन जाया करते थे। डांस के तो इतने शौकीन थे कि खाना पीना सब भूल जाया करते थे। जो कभी ज़बरदस्ती माँ खिला भी थी तो खाना छोड़कर ही भाग जाया करते थे। बचपन में ख्वाब हमारे बहुत बड़े बड़े थे। सिंगर, डांसर, एक्टर, न जाने क्या क्या बनने के ख्वाब देखा करते थे। नादान थे ना, जिंदगी की सच्चाई से कहाँ रूबरू थे। गैरत क्या होती है इस बात से ही अनजान थे। हर छोटी छोटी बात की फरियाद किया करते थे। अपनी हर हंसी को हसीन समझा करते थे। हर वक्त ख्वाबों का जुनून सरहदें पार किया करता था। कब बड़े होंगे बस यही ख्वाब सजा रहता था। कब पेंसिल को छोड़ पेन से शुरुआत करेंगे। कब हम भी बड़ों की तरह छोटों पर हुकूमत दिखाएंगे। अब जो बड़े हो गए हैं तो वो बचपन की मासूमियत कहीं खो चुके हैं। हाँ, वो बचपन का बचपना एक यादों का सिलसिला हम मुस्कुराकर बयां कर रहे हैं। हाँ, वो बचपन का बचपना यादों का सिलसिला हम मुस्कुराकर बयां कर रहे हैं। अब फिर उस बचपन को याद कर बचपन के कारनामों के साथ हम जीना सीख रहे हैं। थैंक यू।